नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। संजय गांधी अस्पताल पर बोले हैं ब्रजेश पाठक, संजय गांधी अस्पताल की घटना दुखद है। पूरी घटना की कमेटी ने जांच की थी। ब्रजेश पाठक का ये कहना है, जांच के बाद लाइसेंस निरस्त किया गया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए गंभीर हैं हम, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एनेस्थीसिया की ओवरडोज से महिला की मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने हंगामा किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी अपील की थी कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन बहाल करने की अपील की थी। अमेठी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला दिया था। गांधी परिवार है अस्पताल का ट्रस्टी। कमेटी का संजय गांधी अस्पताल, जिस पर तमाम सवाल उठ रहे थे, अब इस पूरी घटना की कमेटी ने जांच की है और इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। जांच के बाद लाइसेंस निरस्त किया गया है। बड़ी खबर, लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, साफ तौर से ब्रजेश पाठक का ये कहना है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की घटना बहुत ही दुखद है। जवान बेटी की मौत हुई है। पूरी घटना की कमेटी ने स्थानीय स्तर पर जांच की है, उसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। हर स्थिति में हम प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। किसी भी ऐसे अस्पताल को जिसने अवैध ढंग से या लापरवाही पूर्वक मरीजों को जानबूझ करके असमय मौत में धकेला है, हम बख्शेंगे नहीं। हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहती है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार। एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिरकार लापरवाही साफ तौर से सामने आई है, फिर चाहे वो किसी का भी कोई भी ट्रस्टी हो, जिसपे ये पूरा मामला सामने आ रहा है कि अमेठी का ये हॉस्पिटल था, अमेठी के गांधी परिवार का था जिसमें वो ट्रस्टी था, लेकिन लापरवाही थी तो इसलिए निरस्त कर दिया गया लाइसेंस। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह महिला की मौत हुई थी और अमेठी के मुंशीगंज में गांधी जो संजय गांधी अस्पताल है उसका ये पूरा मामला था। 22 वर्षीय विवाहिता जो दिव्या शुक्ला थी, उसकी ऑपरेशन से पूर्व भी एनेस्थीसिया का जो डोज दिया गया था वो डोज अधिक हो गया था जितनी डोज देनी चाहिए थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और उसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान यूपी के डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक ने पूरा मामले को संज्ञान लिया था और उसकी ओपीडी और लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद अब 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की गई जो अपनी जांच कर रही है। इसके बाद हर पहलू की रिपोर्ट सीएमओ को सौंपा गया। अभी पूरी रिपोर्ट ब्रजेश पाठक हैं जो डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, उनको दी जाएगी। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हुई। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने इसको लेकर लेटर लिखा कि संजय गांधी अस्पताल इस पर सियासत हो रही है, जानबूझ के कार्रवाई हो रही है। गौरी जो कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां कई सारे नेता जो कांग्रेस के हैं वो पहुंच गए थे। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सियासी रूप दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें गांधी परिवार भी ट्रस्टी के तौर पर है, जो कि संजय गांधी अस्पताल बरसों से है वहां, वो काफी लंबे समय से उसमें इलाज और जो स्वास्थ्य सेवाएं वो चल रही है। लेकिन अब दिव्या शुक्ला की मौत के बाद पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ लिया है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से आमने सामने आ गई। जहां ब्रजेश पाठक का सीधे तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने लापरवाही की है हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें पूरी जांच के आदेश दे दिए गए। 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई है उस पर भी ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी घटना का जो स्थानीय स्तर पर है वो जांच की जा रही है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है अस्पताल का लाइसेंस और ओपीडी निरस्त किया गया है। उन्होंने भी कहा कि सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है और किसी को बख्शने वाले नहीं है, उसमें चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी। अब उस पर इस बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि वो गांधी परिवार के लोग ट्रस्टी हैं, जो भी ट्रस्टी हो वहाँ किसी व्यक्ति की, किसी महिला की मौत का मामला और बेहतर सेवाएं ना देने का मामला है। तो पूरी उच्च स्तरीय की जांच भी कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया अजीत, ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।